हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू द नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों, इस लेक्चर में हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 19 शुरू करने जा रहे हैं। तो वी हैव एक्सरसाइज 7.5 इंटीग्रेशन क्वेश्चन नंबर 19। फाइंड द इंटीग्रल ऑफ 2x dx ओवर x² + 1 × x² + 3। तो क्वेश्चन 18 में हमने बताया था कि अगर हर टर्म में एक्स की इवन पावर होगी, ऊपर और नीचे हम एक्सक्वायर को वाई पुट करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में चेक करिए कि न्यूमिनेटर में 2x लिखा है और डिनोमिनेटर में दोनों टर्म्स में एक्स स्क्वायर है। अगर मैं एक्स स्क्वायर को टी पुट करता हूं तो बच्चों, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2x होता है, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dt by dx होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2x dx dt बन गया। तो क्वेश्चन में वापस चले गए, उसको इंटीग्रल को i का नाम दिया, तो वापस i में चले गए, 2x dx की वैल्यू dt पुट कर दी। तो बच्चों, x स्क्वायर को हमने t पुट किया है +1 टी स्क्वायर +3। तो देखिए, हमारे पास सॉरी ये टी बढ़ गया, एक्स स्क्वायर को टी पुट किया, टी +3। ये टाइप वन है पार्शियल फ्रैक्शन की, जिसमें डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स की प्रोडक्ट है और कोई भी फैक्टर पीट नहीं कर रहा। इसको दो तरीके से हमने सॉल्व करना सिखाया था। तो जिसमें एक मेथड था जिसका नाम था एवरीवेयर बट नॉट वेयर। ये हम आपको कई बार के क्वेश्चंस में करवा चुके हैं टाइप। तो इसमें क्या करना होता है, फर्स्ट वेक्टर को जीरो पुट किया, वहां से टी की वैल्यू निकाली, ऊपर और नीचे टी की जगह पे पुट कर दी। ऊपर तो टी वाली टर्म नहीं है, टी की वैल्यू इस वेक्टर से निकाली, तो इसमें हम टी की वैल्यू पुट नहीं करेंगे। तो यहां पे टी की जगह पे -1 पुट करेंगे, प्लस लिखकर सेकंड फैक्टर को जीरो पुट किया, वहां से टी की वैल्यू -3 आई। ऊपर टी की टर्म नहीं है, उसको अवान्दी रख दिया और टी की जगह पे -3 पुट कर दिया हर जगह, लेकिन जहां से निकाली है वहां नहीं। एवरीवेयर बट नॉट देयर, हम कई बार ये टाइप डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए बच्चों, तो वही है, ये 3 - 1 2 होता है, तो डिनोमिनेटर में 2 × t + 1, तो -2, नीचे -2 है और साथ में t + 3। देखिए, दो इंटीग्रल बना लो। फर्स्ट इंटीग्रल 1/2 बाहर ले जाओ, सेकंड इंटीग्रल ये माइनस ऊपर चला गया लाइक दिस। तो इसका इंटीग्रल सबको पता है, log mod t + 1। इसका इंटीग्रल log mod t + 3। लास्ट में c लिखना है, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दोनों में से 1/2 कॉमन ले लो और log m माइनस log n की प्रॉपर्टी लगा सकते हो लाइक दिस। ये हम बता चुके हैं सब कुछ। तो t की वैल्यू रिटर्न कर दो बच्चों, t कितना है, x²। तो दिस इज द आंसर वंस मोर। तो बच्चों, मैंने देखा कि अगर मैं एक्स स्क्वायर को टी पुट करूंगा तो उसका डेरिवेटिव एक्स के तो ऊपर पड़ा है, तो दैट्स व्हाई मैंने एक्स स्क्वायर को टी पुट कर दिया। तो जैसे ही मैंने डेरिवेटिव किया, क्रॉस मल्टीप्लाई की, तो इंटीग्रल हमारा टी की टर्म्स में आ गया। ऊपर डी टी बन गया, नीचे t + 1 t + 3 बन गया। तो डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स की प्रोडक्ट है, कोई फैक्टर पीट नहीं कर रहा, तो पार्शियल फ्रैक्शन की फर्स्ट टाइप, जिसमें हमने बताया था एवरीवेयर बट नॉट देयर भी एक टाइप है। तो सबसे पहले फर्स्ट फैक्टर को जीरो पुट किया, वहां से टी की वैल्यू निकाली और ऊपर और नीचे टी की जगह पे पुट कर दी। एवरीवेयर बट नॉट देयर का मतलब है हर जगह टी की वैल्यू पुट करो ऊपर नीचे, लेकिन जहां से निकाली है वहां नहीं पुट कर दी। ऊपर तो टी की टर्म ही नहीं है, 1 है ऊपर, तो नीचे t + 1 एज इट इज, क्योंकि अगर टी को -1 पुट करोगे ये टर्म 0 हो जाएगी। तो t + 3 में t को -1 पुट करो, प्लस लिखकर सेकंड फैक्टर को जीरो पुट किया,
वहां से t की वैल्यू -3 आ गई, ऊपर और नीचे टूट गई, यहां भी थी लेकिन यहां पे नहीं करेंगे, यहां पे 0 बन जाए। फिर इसको सॉल्व किया, ये 2 है ये -2, दो इंटीग्रल बनाए, इसका इंटीग्रल लॉग होता है, इसका भी इंटीग्रल लॉग t+3 होता है, तो 1/2 कॉमन लिया, log m माइनस log n की प्रॉपर्टी लगा दी, t की वैल्यू वापस पुट कर दी, दिस इज द आंसर। आई होप क्लियर है सबको। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ, देखो बच्चों ऐसा सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर ये था क्वेश्चन x की पावर n वाला, ये क्वेश्चन हमने किया था 16 क्वेश्चन, बिल्कुल सेम 16 क्वेश्चन जैसा है, इंटीग्रल को i से डिनोट किया, तो बच्चों याद करिए 16 क्वेश्चन में ऐसे था, तो हमने बताया था कि x की पावर n यहां भी बनानी है, उसके लिए हमने x की पावर n माइनस 1 से ऊपर मल्टीप्लाई किया था और नीचे भी किया, बैलेंस किया था, तो ये सेम क्वेश्चन वही टाइप का है, तो x की पावर 4 बाहर बनाने के लिए x क्यूब से ऊपर मल्टीप्लाई किया और नीचे भी x क्यूब से मल्टीप्लाई किया, ताकि डिनोमिनेटर में x की पावर 4 बन जाए। तो बच्चों इसका फायदा क्या हुआ था, हमने x की पावर 4 माइनस 1, यहाँ पे x की n माइनस 1 को t पुट किया था, x की 4 माइनस 1 को t पुट किया, रीजन आप सबको क्लियर है, इसका डेरिवेटिव x क्यूब बन जाएगा, तो देखिए डेरिवेटिव किया 4 x क्यूब 1 का 0 t का dt by dx क्रॉस मल्टीप्लाई 4 को dt के नीचे ले जाएंगे, इंटीग्रल में वापस जाएंगे, यहाँ t पुट किया, इससे ऊपर के स्टेप में x क्यूब dx की वैल्यू dt by 4, 4 को बाहर निकाल दिया, तो नीचे x की पावर 4 यहां से मिलेगी t+1, तो यहां पे t+1 पुट कर दिया, और इसको हमने t पुट किया था, देखिए तो ये टाइप बन गई, फर्स्ट टाइप ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स हैं, कोई फैक्टर रिपीट नहीं करा, एवरीवेयर बट नॉट हियर, t+1 को 0 पुट किया, वहां से t की वैल्यू -1 मिल गई, तो बच्चों t की वैल्यू -1 पुट करेंगे, देखिए ऊपर t की टर्म नहीं है तो 1, लेकिन यहां से निकालेंगे t+1 से, इस फैक्टर को ऐसे रहने देंगे, तो t+1 ऐसे रहने देंगे और इस t में -1 पुट कर देंगे, फिर प्लस लिखकर, हां जी बच्चों सेकंड फैक्टर को 0 पुट किया, t की वैल्यू 0 मिल गई, तो ऊपर तो t की टर्म ही नहीं है, नीचे इस वेक्टर में t को 0 पुट कर देंगे, यहां से निकालिए t को ऐसे ही रहने देंगे, तो देखिए बच्चों दो इंटीग्रल बन गए, फाइनली 1/4, ये -1 है, माइनस ऊपर चला गया, देखिए ऐसे बन गया, ये 0+1 1 है, तो 1/t बन गया, तो देखिए दो इंटीग्रल बना लो, 1/4 को अंदर ले जाओ, तो माइनस भी बाहर चला गया, एक इंटीग्रल ये बन गया विद रिस्पेक्ट टू टी, 1/4 को अंदर ले जाओ, एक इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू टी, देखिए बच्चों इसका इंटीग्रल log mod t+1 और इसका इंटीग्रल log of mod t, लास्ट में प्लस c तो लिखना ही है, ठीक है बच्चों, तो लास्ट स्टेप क्या बनेगा, log की प्रॉपर्टी लगा देंगे, वेरी इजी क्वेश्चंस, देखिए 1/4 को आगे लिखेंगे, 1/4 कॉमन ले लेंगे, तो प्लस वाली टर्म को आगे लिख देंगे, माइनस वाली टर्म को पीछे लिख देंगे, तो यहां पे log की प्रॉपर्टी लगा सकते हो, तो बच्चों log की प्रॉपर्टी log m माइनस log n, log m ओवर n, तो t की वैल्यू वापस पुट कर दो, t की वैल्यू कितनी है, ये रही x की पावर 4 -1 और t+1 कितना हो गया, वहां t+1 x की पावर 4, तो दिस इज योर फाइनल आंसर, आई होप क्लियर है सबको, दिस इज क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ, तो बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, इसके बाद दो एमसीक्यू है वो काफी इजी है, आप अपने लेवल पे कर सकते हो,
तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको एक्सरसाइज 7.6 समझाएंगे। तो देखिए यहाँ पे कोई आइडिया नहीं है आपको कि टाइप कोई नहीं बन रही, मैंने ई की एक्स को टी पुट किया तो डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स, क्रॉस मल्टीप्लाई किया बच्चों ई की पावर एक्स को डी टी के नीचे ले गया, रीजन ई की पावर एक्स की वैल्यू मेरे पास टी है। तो वापिस क्वेश्चन में जाएंगे, इंटीग्रल में ये डी एक्स जो है उसको लिख दो डी टी ओवर टी, और ये e की पावर x, देखिए बच्चों dx को पुट कर दिया dt by t, e की पावर x को हमने t पुट किया है, e की पावर x को t माइनस 1, तो क्वेश्चन इंटीग्रल ये बन जाएगा। फर्स्ट टाइप को पार्शियल फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स की प्रोडक्ट है, कोई भी फैक्टर भी नहीं करता, एवरीवेयर बट नॉट हियर। तो फर्स्ट फैक्टर में जो भी है उसको जीरो पुट किया, वहां से t जीरो मिल गया, ऊपर और नीचे t को जीरो पुट कर देंगे, लेकिन जहां से t की वैल्यू निकाली है उस फैक्टर में नहीं, देखिए प्लस लिखकर सेकंड फैक्टर को जीरो पुट किया, वहां से t की वैल्यू 1 मिल गई, तो t को 1 पुट किया लेकिन जिस फैक्टर से निकाला है वहां पे नहीं। तो देखिए दो ही फैक्टर बन गए, ये 0 माइनस 1, माइनस 1 होता है बच्चों माइनस ऊपर चला गया तो ऐसे बन गया। देखिए वी हैव टू इंटीग्रल, एक 1 ओवर t और दूसरा 1 ओवर t minus 1 dt, तो दोनों का इंटीग्रल हमें पता है, फर्स्ट वाले का log over t, सेकंड वाले का log over t minus 1, लास्ट में c लिखना है, log m minus log n की प्रॉपर्टी, log m by n, तो बच्चों t की वैल्यू वापस पुट कर देंगे, t की वैल्यू है e की पावर x minus 1 over e की पावर, तो दिस इज द आंसर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको आगे कंटिन्यू करेंगे, तब तक आप इन सम्स की प्रैक्टिस करेंगे। Thank you very much.